हमसे जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्म का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो फिल करना है और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको देगी। सोरासिस में लिवर खराब होता है या नहीं, क्या सोरासिस लिवर खराब होने की वजह से हो रहा है, ऐसे तरह तरह के सवाल सोरासिस के पेशेंट में रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके इन सवालों का जो कंफ्यूजन है, जो डिलेमा है, वो सॉल्व करने आई हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही देखा है कि सोरासिस के पेशेंट को डील करते हुए उनका लिवर डीअरेंज्ड मिलता है। अगर मैं 10 में पेशेंट की बात करूं तो 10 में से 7 लोगों का लिवर डीअरेंज्ड मिलेगा। उसके तरह तरह के रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 कि उन्होंने इतना स्टीरॉयडल इंटेक किया हुआ है या ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड हुआ हुआ है, इंजेक्शन लिए हुए हैं या टैबलेट खा रखी है, सालों से वो स्टीरॉयड पे है, जिसकी वजह से उनका लिवर इम्पेयर्ड हो रहा है और उनके लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए हैं और फैटी लिवर और फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक की नौबत आ गई है। क्योंकि मेरे खुद के पेशेंट हैं जिनको सोरासिस भी है और उनका लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट भी हमसे ही चल रहा है और इतना लिवर डैमेज हो चुका है, क्रॉनिक लिवर डैमेज हो चुका है कि अब सोरासिस तो कंट्रोल्ड है बट वो मुझसे लिवर का इलाज ले रहे हैं। तो इस कारण की वजह से हमें लिवर डीअरेंज मिलता है। नंबर 2 रीजन ये होता है कि ओवरवेट या ओबीस पेशेंट में नैश मिलता है। नैश नॉन अल्कोहलिक लिवर फेलियर होता है। तो जो नैश की बीमारी होती है वो ज्यादातर एक्सेसिव वेट या ओवरवेट लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से लिवर के आसपास फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि लिवर और इम्यून रिस्पॉन्सेज बहुत रिलेशन में है या रिलेटेडली काम करते हैं, तो आपको सोरासिस जैसी कंडीशंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और आप नोटिस करिएगा, शरीर में अंदर कुछ भी खराब चलता है तो वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है, चाहे आपका बुखार हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी डिसीज हो, चाहे आपका लिवर हो या किडनी हो, आपको कोई ना कोई स्किन पे ज़रूर सिम्टम मिलेगा कि अंदर कुछ खराब है। तो ये इंडिकेशन है कि बाहर जो दिख रहा है दैट इज सिंपली द इंडिकेशन। अब हो सकता है कि इतने ओबीज और ओवरवेट हैं आप, जिसकी वजह से फैटी लिवर बना, नैश में कन्वर्ट हुआ और लिवर डिसीज बन गई और सोरासिस भी आपको होने लग गया, इस वजह से भी लिवर खराब मिलता है। नंबर 3 आपका लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली आपकी ईटिंग हैबिट्स या अल्कोहल इंटेक इतना है जो आपके लिवर को अब खराब करना शुरू कर रहा है और आपका सोरासिस बढ़ा रहा है। अगर आप उनके इंटेक को भी लिमिटेड कर देंगे, जंक फूड या एनिमल प्रोटीन या अल्कोहल का जो यूसेज है वो रिड्यूस कर देंगे, तो भी आपका लिवर भी ठीक रहेगा और आपका सोरासिस भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोरासिस से जितने भी पीड़ित लोग होते हैं, मैक्सिमम लोगों में लिवर डीअरेंज मिलता है। और कहीं ना कहीं जब लिवर डीअरेंज होता है या सोरासिस आपको हुआ, तो ये वाइस वर्सा चलता है। सोरासिस हुआ तो लिवर डीअरेंज मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही इंटर रिलेटेड है। क्योंकि ऑब्वियसली लिवर डीअरेंज है और इम्यून रिस्पॉन्सेज हैम्पर होंगे तो सोरासिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां होंगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा। अब जब सोरासिस हुआ तो उसमें ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया जो लिवर को इम्पैक्ट कर रहा है और आपके लिवर को खराब कर रहा है, तो भी आपको लिवर डीअरेंजमेंट्स मिल जाते हैं। तो आपको अपने लिवर को ठीक करके चलना है ताकि आपके सोरासिस में रिकवरी फास्ट हो और बार बार सोरासिस रिलैप्स ना हो। ऐसे में स्टीरोइड्स आपको नहीं लेने हैं, चॉइस आपकी है, चूज आपको करना है कि क्या ट्रीटमेंट आपके सोरासिस के लिए और आपके लिवर के लिए और आपकी बॉडी के लिए ठीक है, जो आगे जाके आपके किसी भी और ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा। और नंबर 2 आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल करेक्शंस करने हैं, जिससे आपका सोरासिस भी ठीक रहेगा और लिवर भी ठीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एकदम नॉर्मल दिख रही हूँ, अगर मैं भी डेली बेसिस पे जंक फूड या अल्कोहल इंटेक करना शुरू कर दूँ तो मुझे भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको क्योंकि सोरासिस है, ऑलरेडी आप बीमार हैं या बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसे में कंट्रोल आपको करना पड़ेगा और चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी भी जल्दी से नॉर्मल हो जाए। और अगर नहीं हो पा रही है तो आप सिया से जुड़ सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए बाय बोल सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्म का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो फिल करना है और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको देगी।